नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह देवभूमि आयस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 27 दिसंबर 2017 को आयोजित MPSI के परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र। मैं उन सभी मित्रों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने ये प्रश्न भेजे हैं। तो मित्रों, आज का बहुत ही सरल एवं आसान सा प्रश्न पत्र आया था। जैसा कि पहला प्रश्न था तामसिक। तामसिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? मित्रों, इसका आंसर होता है सात्विक। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ऐसे ही रिलेटेड विलोम शब्द आएंगे तो मित्रों आपको याद रखना है तामसिक का सात्विक। फिर मित्रों आया था दूसरा क्वेश्चन, आया था मुहावरा। उससे 3 से 4 प्रश्न आए थे मित्रों। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, 3 से 4 प्रश्न आए थे। उसमें एक था मिट्टी का साधु, खून सूखना, मीन मेख निकालना, आग में घी डालना। मित्रों ऐसे ही बहुत ईजी से आएंगे, बहुत ईजी से क्वेश्चन आएंगे। आपको बस धीरे धीरे आपको पढ़ाई करनी है, हो जाएगा। ऐसे ही जैसा कि आप पिछले 3-4 MPSI के पेपर देख चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुहावरा के 3 से 4 प्रश्न आए थे। उसके बाद मित्रों आते हैं, एक प्रश्न आया था अर्थ का पर्यायवाची। तो मित्रों अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा तो बहुत आसान है अर्थ का पर्यायवाची निकालना। उसके बाद मित्रों एक और क्वेश्चन आया था तृष्णा शब्द, तृष्णा का विलोम शब्द बताना था। वो भी मित्रों आप पढ़े होंगे तो आ जाएगा। एक प्रश्न आया था मित्रों, जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया है, भेजा है, रस की परिभाषा, जो रस है उसकी परिभाषा लिखने को आई थी कि इसकी क्या परिभाषा होती है। और मित्रों एक क्वेश्चन आया था मिठाई विठाई, तो इसमें ऐसे ऑप्शन आए थे सार्थक सार्थक या सार्थक निरर्थक या अनुलोम विलोम है या पर्यायवाची हैं, ऐसे आए थे। तो आपको पता ही है कि इसमें मिठाई जो है सार्थक शब्द है, विठाई कोई शब्द नहीं है तो ये निरर्थक है। फिर एक प्रश्न आया था मित्रों कोट और कोटि का शब्द, मतलब इनका अर्थ बताना था। कोट और कोटि में क्या शब्दों में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है डिफरेंट। एक प्रश्न मित्रों आया था सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। इसके तीन से चार क्वेश्चन आए थे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मित्रों आज तक मतलब जैसे कि मेरे मित्रों ने बताया है, उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया है कि बहुत ही आसान सा प्रश्न आया था, हिंदी का प्रश्न पत्र आया था। उसके बाद मित्रों एक ऐसा आया था श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से करतल मसलने लगे, मतलब ऐसे ही कुछ रिलेटेड था। उसमें हमको क्रोध से रिलेटेड जो था रस बताना था कि इसमें कौन सा रस है, आपको बताना था कि कौन सा रस है। बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे मित्रों ने हमारे जो फीडबैक दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था पीत सागर में कौन सा समास है, पीत सागर जो है उसमें कौन सा समास है। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन आया था वो भी समास से ही रिलेटेड था, दशानन, दस हैं जिसके आनन अर्थात रावण, तो इसमें कौन सा समास है। लोग मित्रों इसमें लोग द्विक समास लगा देते हैं, लेकिन इसका समास है दस हैं जिसके आनन अर्थात रावण। इससे पता चलता है कि ये बहुव्रीहि समास है। और फिर मित्रों एक आया था कि परीक्षा से कौन नहीं डरता, इसको सकारात्मक वाक्य में बदलना था, परीक्षा से कौन नहीं डरता है। मित्रों बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे, आप अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद मित्रों एक प्रश्न आया था अचल का अर्थ बताओ, अचल शब्द है जो उसका अर्थ बताओ। और मित्रों दोस्तों एक आया था इनरोलमेंट का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो मित्रों इनरोलमेंट का हिंदी अर्थ होगा नामांकन। एक क्वेश्चन आया गद्य और पद्य के जो पार्ट होते हैं उसमें गद्य के 5 प्रश्न थे और पद्य का अर्थ पूछा था, ये थोड़ा सा कठिन था, लेकिन ये जो गद्य से था बहुत ही ईजी था, ऐसा मेरे मित्रों ने बताया कि बहुत ईजी था। बहुत 5 प्रश्न आए थे और ये लड्डू थे, कोई भी खा सकता था, बहुत ही आसान से आए थे, आप देख के तुरंत लगा सकते हैं। उसके बाद एक बहुमत, जो कि बहुमत शब्द दिया था, बहुमत से उसकी इंग्लिश मीनिंग थी मेजोरिटी। मित्रों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप ये तो पता चल जाएगा मेजोरिटी है, बस इसमें आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है कि मेजोरिटी की स्पेलिंग क्या होगी। उसमें अलग अलग स्पेलिंग दी हुई थी तो मेजोरिटी आप याद रखिएगा, मेजोरिटी की स्पेलिंग क्या होगी। ऐसे इसमें भी इनरोलमेंट वाले क्वेश्चन में भी नामांकन किसी में लिखा था, किसी में नामांकन लिखा था, किसी में नामांकन लिखा था, तो उसमें आपको सही मीनिंग, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर दिए थे, आपकी हिंदी भी टेस्ट हो जाती। उसके बाद मित्रों एक क्वेश्चन था घोर अंधकार हो चल रही बयार, इसमें अलंकार बताना था। मित्रों ये तो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मेरे दोस्तों से नहीं बना, उन्होंने ये बताया कि ये क्वेश्चन ऐसा आया था। एक क्वेश्चन था अंधियारा को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, तो मैंने मेरे दोस्तों ने जैसा मैंने बताया मेरे दोस्तों ने पेपर दिया था,
उन्होंने अंधेरा बताया, बट आप देख सकते हैं अंधियारा को, खड़ी बोली में अंधियार को क्या बोलते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ईर्खा, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, तो मेरे मित्रों ने बताया कि ईर्ष्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं एक बार कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद मेरे मित्रों ने बताया कि जो पत्रिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें दो आए थे, एक चकमक चकमक वाल पत्रिका और एक इलेक्ट्रॉनिकी करके उनको उन्होंने कुछ बताया कि जो भोपाल से प्रकाशित होती है, वो आप देख लीजिएगा मित्रों। ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे, आप पत्रिकाओं से रिलेटेड याद कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन श्योर रहते हैं इससे आना। उसके बाद मित्रों एक क्वेश्चन आया था, खारी और खाड़ी का अर्थ बताना था, तो जैसे उसमें ऑप्शन दिए थे आप आसानी से कर सकते हैं। एक उसमें था निकाय का इंग्लिश मीनिंग बताना था, तो फैकल्टी होता है, लेकिन इसमें भी आपको पता तो चल जाता फैकल्टी है, बस स्पेलिंग की मिस्टेक थी, आप सही स्पेलिंग लगाइएगा। एक क्वेश्चन आया था मित्रों अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब उसमें दो क्वेश्चन आए थे, उसमें एक था दूसरों के सहारे जीने वाला, तो परजीवी होता है, और एक ऐसे क्वेश्चन आया था नैनो को अच्छा लगने वाला, तो देख लीजिएगा मित्रों इसमें क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था मित्रों आऊ प्रत्यय किसमें है, तो उसमें एक ऑप्शन था कमाऊ, तो मेरे दोस्तों ने कमाऊ लगा दिया है, आप देख लीजिएगा उसमें क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बहुत ईजी से सरल से क्वेश्चन आएंगे। एक आया था की प्रत्यय किसमें है, वो भी आप आसानी से लगा देते। फिर एक क्वेश्चन आया था शहर में आकर उसकी पढ़ाई डैश, फिल इन द ब्लैंक बनना था, वहाँ पे खाली जगह बनना था, तो जैसे उसकी मिट्टी में नहीं मिल गई, पानी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, ऐसे ऑप्शन थे, तो आप लगा सकते थे कि मिट्टी में मिल गई। और एक मित्रों आया था अपट और अपटू का अर्थ बताना था, तो अपटू का तो मूर्ख होता है और अपट पट मतलब दरवाज़ा होता है, तो अपट दरवाज़ा नहीं है। और एक क्वेश्चन मित्रों आया था इससे छंद से रिलेटेड आई थी आया था, दो क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक ही मेरे को याद है, मैंने मेरे दोस्तों ने ये पढ़ा नहीं था तो इसके आंसर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु फिर गुरु यत 16-12, तो मित्रों आप देख लीजिएगा छंद से दो क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद मित्रों, और मित्रों जो आगे आने वाली परीक्षाओं में MPSI में बैठेंगे वो हमको हमारे चैनल में मैसेज कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, जिससे कि आने वाले विद्यार्थियों को आगे जिनके पेपर होंगे उनको सहायता मिल सके।